नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं सूर्य प्रोडक्ट के बिहाफ पे आज उनका नया प्रोडक्ट सूर्य किचन चिमनी का नया मॉडल SS60 नेट आपके सामने पेश करने आया हूँ। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक नया मॉडल है SS60 नेट। ये हमारा एक प्रीवियसली बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है जिसका मॉडल नंबर हुआ करता था SS60। ये उसी की बॉडी लाइन के ऊपर बनाया गया है, इसलिए उसका मॉडल नंबर SS60 नेट पे बनाया गया है। इसमें कोई भी कर्व इस तरह से दिए जाते हैं कि कोई भी शार्प एज ना आए और ये पूरा स्लिमलेस बन जाए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं उसके मुकाबले, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम इस स्मोक को पूरी तरह से हटा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी जो सक्शन पावर है वो 1400 मीट्रिक क्यूब है और इसकी परफॉर्मेंस इस वक्त आपके सामने है। ये किस तेजी से धुआं खींच रहा है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी 13x10 की किचन के अंदर पूरी तरह से अगर धुआं भरा भी हो तो ये चिमनी उसको अगले 3 मिनट में पूरी तरह से साफ कर देगी। इस चिमनी के अंदर जो मोटर आती है उसकी 5 साल की कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी भी आती है और ये एक ऑटो क्लीन सील्ड मोटर होती है। हम सबसे पहले इसके एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बॉडी लाइन के बारे में बात करते हैं। ये एक स्लिमलेस टाइप के डिजाइन में बनाई गई चिमनी है जिसमें कोई भी शार्प एज नहीं दी गई, ये सारे कर्वी टाइप की उसमें बनाई जाती है। इसमें नीचे फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक इसके अंदर जाली लगाई जाती है जिसे नेट कहा जाता है। ये नेट बेस्ड जाली है जिसे खोल के बड़े आराम से साफ भी किया जा सकता है। इसमें यहाँ नीचे की तरफ 2 स्क्रू होते हैं जिसके अंदर आप इसे आराम से खोलोगे तो ये जाली पूरी तरह से बाहर आ जाएगी और इन 2 नटों को खोलने के बाद हम लोग इसके साफ कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर नीचे की तरफ एक ऑयल कलेक्टर कप दिया होता है, ये वाला, जिसे जो भी ग्रीस या इसमें ऑयल की वजह से बन जाता है उसे इसमें इकट्ठा किया जा सकता है, जिसे हम बाद में एक बर्तन की तरह साफ कर सकते हैं। इसे निकालना और डालना बहुत आसान होता है और ये फिट हो गई। अब हम इसके टॉप के बारे में करते हैं। ये एक मैट फिनिशिंग में बनाया गया हुड है जो आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई करीब 1.5 फुट के आसपास होती है। उसके बाद जो इसमें ग्लास एज हुआ करता है, ये करीब 60 सेंटीमीटर में डिजाइन की गई बॉडी है और ये ग्लास भी 60 सेंटीमीटर का इसमें बनाया जाता है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वो नहीं है कि कई बार क्या होता है, बॉडी को छोटा बना देती है कंपनीज और ग्लास को बड़ा बना लेती है। इसमें जो बॉडी साइज है और जो ग्लास साइज है वो एब्सोल्यूट 60 सेंटीमीटर पे डिजाइन किया जाता है। ये एक 2 फुट की चिमनी है। इसके अंदर अब हम बात करते हैं इसके पैनल को लेके। इसमें कई स्टैंडर्ड फीचर्स और नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले इसमें वेव सेंसर्स है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वेव सेंसर मल्टी लेवल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मोटर की स्पीड को इसके वेव सेंसर से भी कंट्रोल कर सकता हूं। इसमें आपके सामने जो है उसमें एक सिंगल लाइन का डिस्प्ले है जिसमें 1, 2 और 3 के ऑप्शंस में डिस्प्ले होता है। ये आपको आपकी इसके चलने वाली मोटर की स्पीड को बताता है। इसमें टोटल 6 बटन होते हैं। सबसे पहला होता है ऑन ऑफ, फिर आता है आपका क्लीन, क्लीन मतलब ऑटो क्लीन। तीसरा होता है इसमें लाइट। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, 2 LED लाइट्स है इसके नीचे जो 2.5 वॉट के टोटल मिला के ये 5 वॉट की LED लाइट है जो आपके गैस स्टोव के ऊपर बनने वाले खाने को आराम से आप उसमें देख सकते हैं इस लाइट के अंदर। इसके बाद इसमें 3 अलग-अलग डेडिकेटेड स्पीड के बटन दिए जाते हैं, स्लो, मीडियम और फास्ट। इसमें आप अपनी स्पीड को डायरेक्टली अपनी चॉइस के हिसाब से चुन सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम जिस तरह की कुकिंग करते हैं उससे हमें पता होता है कि हमें हर बार कौन सी स्पीड चाहिए होती है, फास्ट, मीडियम या स्लो। तो सपोज आपको मीडियम चाहिए होती है तो आपको फास्ट से मीडियम पे आने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्टली मीडियम को चुन सकते हैं यहाँ पे ऑन करके और ये 2 नंबर स्पीड पे अपने आप चलने लग जाएगी। अब हम आते हैं इसके ऑटो क्लीन फंक्शन के ऊपर। अगर हमें इसके अंदर ऑटो क्लीन फंक्शन को यूज करना है तो इसमें 9 मिनट का टाइमर आपको दिखाई देगा। हमें इस बटन को थोड़ा सा लंबा प्रेस करके रखना होता है। इसके बाद इस 9 मिनट का, ये 9 का मतलब होता है 9 मिनट, यानी कि 9 मिनट लेगा आपकी चिमनी को पूरी तरह से साफ करने के अंदर। उसमें क्या होगा, ये अंदर से जमे हुए सारे ग्रीस और कचरे को निकाल के आपकी इस ऑयल कलेक्टर कटोरी के अंदर डाल देगा जिसे हम बाद में आराम से एक बर्तन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टफन ग्लास होता है जो कर्व शेप पे लगाया जाता है, इसे जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब हम आते हैं इसके अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स के ऊपर। इसमें ज्यादातर जितने भी पार्ट्स हैं वो स्टील से बनाए जाते हैं और जो ऊपर का हुड होता है वो भी स्टील से बनाया जाता है। अब आते हैं इसके अंदर हम इसकी यूजेज के ऊपर। हर 5 साल में आपको इसकी सर्विस भी करानी होती है एक बार, अगर आप इसे रेगुलर ऑटो क्लीन कर रहे हैं। रेगुलर ऑटो क्लीन से आपको फायदा ये होता है कि आपको कई साल तक इसकी सर्विस नहीं करानी पड़ती, क्योंकि सर्विस में भी अंदर की ग्रीस और कचरे को ही मेनली साफ किया जाता है जो आप ऑटो क्लीन करके खुद भी कर सकते हैं, जिससे आपकी सर्विस कॉस्ट काफी ज्यादा बच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।